हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फिफ्थ। ये आप KVS की बुक जिसका नेम है अपना परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 8 जो कि यूनिट फर्स्ट का लास्ट चैप्टर है, द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जानवर होते हैं, उनकी अनोखी दुनिया। ये इस यूनिट का लास्ट चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर का पेज नंबर 44, 45 एंड 46 मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो बैट हैं, जो चमगादड़ होता है, वो रात में कैसे उड़ पाता है, और जो डॉग होता है उसकी जो स्मेल की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, बहुत तेज़ अच्छे तरीके से वो स्मेल कर पाता है। और फिर बात हुई थी हमारी इनके सुनने की जो कैपेसिटी होती है उनकी। और फिर आपको बताया था मैंने कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो स्पेशल सीज़न में ही दिखाई देते हैं, यानी हर मौसम में हम उनको देख नहीं पाते हैं। तो वो कौन कौन है, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है। नेम ऑफ द एनिमल, यानी एनिमल्स के नेम है एक साइड में, ये आपकी जो दिख रही है ऊपर टेबल। और नेम ऑफ द सीज़न इन विच इट इज़ सीन, यानी ऐसे सीज़न जिसमें वो दिखाई देते हैं। फर्स्ट है लिजार्ड। लिजार्ड यानी होता है छिपकली, जो छिपके रहती है, ज़्यादातर हमारे सामने नहीं आती है, इसलिए इसको बोलते हैं छिपकली। और ये कब दिखाई देती है, समर एंड रेनी सीज़न, यानी गर्मी में और बारिश के मौसम में। स्नेक यानी सांप, समर एंड रेनी सीज़न, सांप भी गर्मी में और बारिश में ही दिखाई देता है। फ्रॉग, फ्रॉग यानी मेंढक, रेनी सीजन, ये बारिश में ही दिखाई देता है स्पेशली। फिर है पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, ये डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए यहाँ पे। वाई आर फ्रॉग्स सीन फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, वो बारिश में ही ज़्यादा क्यों दिखते हैं, यानी वो हमेशा हमें क्यों दिखाई नहीं देते, गर्मी में सर्दी में क्यों नहीं दिखते वो हमें। तो इसका आंसर होगा, बारिश का जो टाइम होता है, बारिश का जो सीज़न होता है, रेनी सीज़न, इस टाइम में जो जो फ्रॉग होता है, इसका जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है, यानी इनके बच्चे होते हैं उस टाइम में, इनके छोटे 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 बेबीज होते हैं, किस टाइम में, रेनी सीज़न में, और इसीलिए हमको ज़्यादा दिखाई देते हैं। वाई मॉस्किटोज आर सीन रेयरली इन एक्सेसिव विंटर्स, यानी जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो हमें गर्मी में ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन सर्दी में कम क्यों दिखते हैं, इसका भी तो कोई रीज़न होगा। तो इसका रीज़न है कि जो सर्दी होती है, ठंड जो होती है, उसमें मच्छर जिंदा नहीं रह पाते, वो ठंड उनको सहन होती ही नहीं है, वो सहन नहीं कर पाते और मर जाते हैं, और इसीलिए वो सर्दी में हमें कम दिखाई देते हैं। अब देखिए मुनिया और राजू की क्या बातचीत हो रही है, इसकी कॉन्वर्सेशन पढ़ेंगे हम। मुनिया, मुनिया बोलती है, ब्रदर राजू कैन आई ऑल्सो लिव इन वाटर, कैन आई ऑल्सो लाइक अ फिश एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड। ये अपने ब्रदर राजू से पूछ रही है कि भैया राजू, क्या मैं भी पानी में मछली की तरह तैर सकती हूँ, क्या मैं भी बर्ड की तरह आसमान में उड़ सकती हूँ। तो अब देखिए आगे राजू क्या बोलता है। मुनिया, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव देयर ओन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमंस, मॉस्किटोज, ईटीसी। वो अपनी बहन को समझाता है कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, वो सबके पास अपना अपना स्पेसिफिक यानी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस यानी हम इंसानों के पास, मॉस्किटोज यानी मच्छर के पास, और भी जितने भी एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन सबके पास अपने अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी उनकी खासियतें होती हैं। आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से अलग अलग होती हैं। वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, सो वी कैनॉट लिव इन वाटर एंड नेवर ट्राई लाइक अ बर्ड, सॉरी फ्लाई लाइक अ बर्ड। यानी जो राजू है वो अपनी सिस्टर को समझाता है कि वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, यानी हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं, और इसीलिए हम वाटर में ना तो रह सकते हैं और ना ही बर्ड की तरह आसमान में उड़ सकते हैं। कॉलोनी ऑफ आंट्स, अब देखिए आगे हम क्या पढ़ रहे हैं। कॉलोनी ऑफ आंट्स, जैसे कि सबके अपने अपने रहने की जगह होती है अलग अलग, किसी की डैन यानी गुफा होती है, तो किसी का ट्री के ऊपर कोई रहता है, कोई ज़मीन के नीचे रहता है होल में। तो अब देखिए कॉलोनी यानी जो आंट्स की कॉलोनी होती है, आपने कभी चींटी को यानी आंट को, ANT, आंट, आंट यानी चींटी, इनको आपने कभी ऐसे लाइन से एक दूसरे के साथ जाते हुए देखा होगा, ज़रूर देखा होगा। रेड भी होती है, ब्लैक भी होती है चींटियाँ, कोई बड़ी भी होती है ना, तो
वो जो उनकी कॉलोनी होती है उनके बारे में पढ़ रहे हैं हम, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, इन अ कॉर्नर एट मुनिया'स हाउस देयर वॉज अ होल ऑफ आंट्स। मुनिया के घर में एक कॉर्नर में, एक कोने में एक होल है छोटा सा, जो आंट्स का है, यानी चींटियों का है। द आंट्स वर एंटरिंग इन टू द होल इन अ रॉ, और जो आंट्स है वो उसमें एंटर कर रही थी एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे रॉ में, यानी लाइन से, जैसे हम लोग करते हैं ना परेड में वगैरह रहते हैं तो, या फिर हम प्रेयर में लाइन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे एक रॉ में चल रही थी, लाइन में चल रही थी, कौन? चींटियाँ। सिमिलरली इन गार्डन देयर वर मैनी एंट्स मूविंग अंडर द प्लांट पॉट, और इसी तरह से उसने एक गार्डन में भी देखा था तो सारी एंट जो थी वो प्लांट के पॉट में, यानी गमले में जा रही थी, उसमें भी बिल्कुल लाइन से ही जा रही थी वो। द सॉइल वॉज डैम्प व्हेन द पॉट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस द एंट स्टार्टेड मूविंग अलॉन्ग विथ देयर एग्स। अब देखिए आगे क्या है, जो यहाँ लिखा हुआ है द सॉइल वॉज डैम्प, डैम्प यानी होता है नम, यानी मुलायम, सॉफ्ट थी वो जमीन जहाँ पे वो पॉट रखा हुआ था, वो गमला रखा हुआ था। व्हेन द पॉट वॉज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस, जब उस पॉट को, जब उस गमले को वहाँ से हटाया गया, द एंट्स स्टार्टेड मूविंग अलॉन्ग विथ देयर एग्स, तो चींटियाँ अपनी जगह को धीरे धीरे अपने एग्स के साथ छोड़ने लगी, यानी अपने अंडों को वहाँ से ले जाने लगी। अब देखिए आगे क्या है, मुनियाज मदर टोल्ड हर दैट आंट्स रिलीज अ सब्सटेंस वाइल मूविंग। मुनिया की मॉम ने बताया कि जो आंट्स होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, आपको भी दिख रही होगी पिक्चर में, ये देखिए काफ़ी सारे दिखाई है और बहुत क्लियर भी है, पूरी लाइन से चल रही है। तो मुनिया ने पूछा होगा कि मम्मी ऐसा कैसे हो सकता है, ये लोग लाइन से कैसे चलते हैं, तो उसकी मम्मी ने बताया कि जो चींटी होती हैं, जो आंट होती हैं, वो जब जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो एक सब्सटेंस, यानी एक ऐसा लिक्विड या फिर हो सकता है पाउडर में हो, एक सब्सटेंस छोड़ जाती है जिससे उसके पीछे आने वाली जो चींटी होती है वो उसको पहचान लेती है। सो द अदर एंट्स बिहाइंड देम कैन रिकॉग्नाइज द पाथ, और इसीलिए जो पीछे आने वाली चींटी होती है वो उसी रास्ते पे, उसी मार्ग पे चल पाती है। व्हेन दे बाइट अस, और जब वो हमें काटती हैं, चींटियाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब वो हमें काटती हैं, देन दे रिलीज पॉइजनस सब्सटेंस इन आवर बॉडी ड्यू टू विच वी हैव पेन, और जब चींटी हमें काटती है तो वो उसी सब्सटेंस को एक पॉइजन की तरह, यानी एक जहर की तरह हमारी बॉडी में छोड़ जाती है काटने के बाद, और जिससे क्या होता है, हमें दर्द होता है, हमें पेन होता है। आंट्स लिव इन अ ग्रुप, आंट्स कैसे रहती हैं, ग्रुप में। आंट्स यहाँ पे आंटी की बात नहीं हो रही, आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, aunt आंट यानी तो चाची होती है, और aunt आंट होती है चीटी, इसमें यू नहीं है, ओके। आंट्स लिव इन अ ग्रुप, जो आंट्स होती है, चीटियाँ होती है, वो ग्रुप में रहती हैं। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उनका एक अपना ही वर्ल्ड होता है ज़मीन के नीचे। दे मेक देयर कॉलोनी इन सिक्योर्ड प्लेस लाइक अंडर द सॉइल, वो अपनी कॉलोनी बनाती हैं सिक्योर्ड प्लेस पे जहाँ पे उनको कोई नुकसान ना पहुँचाए, और ज़्यादातर वो ज़मीन के नीचे, यानी कि मिट्टी के नीचे ही बनाती है। इन ट्री ट्रंक्स एंड इन आवर होम्स, यानी कि ज़्यादातर वो मिट्टी के अंदर, या फिर जो ट्री होता है उसके ट्रंक के नीचे, या फिर हमारे घरों के अंदर जो सेफ प्लेस होती है, जो सुरक्षित जगह होती है, वहाँ पर अपना घर बनाती है। अब आगे देखिए, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, सोचिए और इनका आंसर दीजिए। व्हाई डू आंट्स ऑलवेज मूव इन अ रो, चींटियाँ हमेशा लाइन में क्यों चलती है हमेशा? अभी अभी मुनिया की मम्मी ने बताया था कि चींटियाँ लाइन में चलती हैं, उसका रीज़न भी बताया था, आपको भी शायद याद होगा। तो क्या रीज़न था कि जो चींटियाँ होती है वो लाइन से क्यों चलती हैं? तो इसका आंसर है कि जो आंट्स होती हैं वो चलते चलते एक सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं। ये देखिए यहाँ पढ़ा था हमने, ये देखिए ऊपर, रिलीज द सब्सटेंस वाइल मूविंग, यानी चलते चलते सब्सटेंस पीछे छोड़ देती है, और पीछे जो आने वाली आंट होती है वो उस सब्सटेंस को पहचान लेती है और जस्ट उसके पीछे पीछे चल देती है। फिर वही काम करती हैं, फिर से वो भी सब्सटेंस छोड़ देती है, उसके पीछे वाली आ जाती है, फिर वो भी छोड़ देती है, उसके पीछे वाली आ जाती है, और ऐसे करके उनकी पूरी रॉ बन जाती है, ओके। अब देखिए, मुनिया एंड राजूज मदर टोल्ड देम दैट द आंट्स डू देयर वर्क कलेक्टिवली बाय डिवाइडिंग इट अमंग देयर, यू शुड ऑल्सो डू योर वर्क कलेक्टिवली बाय डिवाइडिंग इट।
मुनिया और राजू की मम्मी बताती हैं कि जो आंट्स होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, वो अपना काम एक दूसरे से बांटती हैं और फिर एक साथ मिलके भी करती हैं। यू शुड ऑल्सो डू योर वर्क कलेक्टिवली बाई डिवाइडिंग इट। तुम्हें भी सब काम मिलके करना चाहिए, उसको पहले बांट लेना चाहिए और मिल बांट करके करोगे तो काम टाइम पर भी पूरा होगा, अच्छे से भी होगा और पूरा मन भी लगेगा। अब आगे देखिए, अगला जो हमारा पेज नंबर है वो है पेज नंबर 48, जो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और तब तक के लिए आपको ये याद रखना है कि मैंने आज के वीडियो में क्या पढ़ाया है, क्योंकि अगर आज का वीडियो जो पढ़ा है वो भूल जाओगे तो अगला वीडियो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ओके, तो चलिए अब आपको बताती हूँ आपका होमवर्क। आपको आपके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको मैंने टेबल बनवाई थी और एनिमल्स थे और उनके कैरेक्टरिस्टिक थे, यानी कि वो उनके अंदर क्या खासियतें होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, ये सब। और आज है क्वेश्चन नंबर 3, जो मैंने जस्ट उसके नीचे किया है। आप भी बिल्कुल मेरी तरह कर सकते हो, पर डेट ज़रूर लगाइएगा। ओके, मैं यहाँ डेट लगाना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी, बट आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन 3, हाउ डू बैट्स फ्लाई इन द डार्क, यानी अंधेरे में बैट्स फ्लाई कैसे करते हैं, बैट्स यानी चमगादड़, विदाउट स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट, यानी बिना किसी चीज़ से टकराए जो चमगादड़ होते हैं, जो बैट्स होते हैं, वो नाइट में भी कैसे उड़ पाते हैं। अब ये तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है ना, सबके दिमाग में चलता होगा, लेकिन आपने तो ये चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। चलिए फिर भी मैं एक बार और बताती हूँ। वाइल फ्लाइंग इन द डार्क, बैट प्रोड्यूसेस हाई फ्रिक्वेंसी साउंड विच हीट्स बैक व्हेन स्ट्राइक्स टू एनी ऑब्जेक्ट। लिसनिंग टू दिस इको, बैट कैन ईजिली फ्लाई इन द डार्क, यानी जैसे ही नाइट में, रात में बैट उड़ता है तो वो एक हाई फ्रिक्वेंसी यानी एक ऊंची आवाज़ की तरह एक आवाज़ निकालता है, जो आवाज़ जाके किसी चीज़ से अगर टकरा के वापस आती है तो वो समझ जाता है कि आगे कुछ है और इसीलिए मेरी आवाज़ टकरा के वापस आई है, तो वो उस जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेता है और दूसरे डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। ओके, और इसी तरह से वो अंधेरे में भी उड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको लास्ट वीडियो में कराया था, क्वेश्चन नंबर 3 आज कर रहे हैं आप, अगले वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।